हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द मेंटा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांचेस के बारे में। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि मैम, मुझे जो पहले से ब्रांचेस चल रही हैं उनका थोड़ा सा स्कोप जानना है, एंड वो कब समय से कित कॉलेजेस में पहले से इस्टेब्लिश हुई हैं, तो वो भी मुझे इन्फॉर्मेशन एक चाहिए। तो उसमें एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, और इस वीडियो को सभी बच्चे एंड तक देखेंगे और कुछ ऐसी नई बातें पता चलेंगी इस वीडियो के द्वारा जो कि आपको शायद इतना सारे रिसर्च करने के बाद भी नहीं मिलती। तो मैंने काफ़ी सारी इसमें रिसर्च की है, पता किया है। और आप जेईई मेंस की तैयारी आप कर रहे हैं तो स्ट्रैटेजी बेस्ड, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैंने आपको कई सारे लाइव क्लासेस आप मेरी जुड़ सकते हैं थ्रू अन अकेडमी आपके लिए लाया है। एक जबरदस्त मौका, एक बहुत अच्छा मौका आपके सभी के लिए लाया है। जो भी बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं, 12th में है, 11th में है, या फिर वो ड्रॉपर है, किसी भी स्टेज में वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आपके लिए अनअकैडमी आपको 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन, जो आपको 299 रुपीज में, जस्ट ओनली इन 299 रुपीज में आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल पा रहा है। इसमें है क्या देख लेते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको अटेंड करने का मौका मिल रहा है, एंड 24/7 डाउट सॉल्विंग। आपको डाउट्स कोई भी होते हैं आप यहाँ पे डाउट्स अपने सॉल्व कर सकते हैं, फैकल्टी की हेल्प ले सकते हैं, एंड आपको पर्सनलाइज्ड एकेडमिक काउंसलिंग भी मिलेगी। ये सब कुछ आपको 299 रुपीज में मिल रहा है, एंड आपको ये वैलिड रहेगा 23rd से 30th अप्रैल। तो आपको यूज़ क्या करना है, MENTA10 कोड आपको यूज़ कर लेना है भाई। सभी फ्रेंड, सभी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो, वो एक बार ये ज़रूर ट्राई करें अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन, और काफ़ी आपको बेनिफिट्स इसके जो मिलने वाले हैं वो आप देख सकते हो। इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, एंड आपके लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, एंड ऑल्सो आपको ये PDFs भी अवेलेबल होंगी बहुत सारी आपको अपने यहाँ पे स्टडी के लिए। लिंक आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो यू हैव टू यूज कोड MENTA10 फॉर अवेलिंग दिस 10% ऑफ इन दिस 299 सब्सक्रिप्शन, 45 डेज प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी। सो अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। इंजीनियरिंग जो ब्रांचेस हैं उसमें सबसे पहले टॉप नंबर पे जो हमारी ओल्डेस्ट ब्रांच आती है वो है हमारी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच इज अवर ओल्डेस्ट ब्रांच, जो सबसे पहले किस कॉलेज में स्टार्ट हुई थी, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। कौन नहीं जानता इस कॉलेज को, सभी बच्चे जानते हैं इसके बारे में, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, जो कि अब IIT रुड़की के नाम से जाना जाता है, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की, एंड आपका 1847 में इस्टेब्लिश हुई थी ये ब्रांच, फर्स्ट आपकी सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी आपके यहाँ पे उत्तराखंड रीजन्स में, तो सिविल इंजीनियरिंग की हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट पड़ी इस ब्रांच की, और ये सबसे पहले हमारी 1847 में आई थी, थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसको हम सिविल इंजीनियरिंग पहले बोला करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो ब्रांच सिविल आई वो आपकी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे महाराष्ट्र, इसमें फिर ये 1854 में ये ब्रांच को स्थापित किया गया और यहाँ पे ये लॉन्च हुई कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे में। काफ़ी अच्छा और पुराना इंस्टीट्यूट है, ऑब्वियसली सभी इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, कई रस्ते हैं इसमें काउंसलिंग्स के द्वारा जाने के, तो वो भी मैं आपको समय समय पर बताती रहती हूँ कि आप कैसे काउंसलिंग्स करेंगे इन टॉप कॉलेजेस में एडमिशन्स लेने के लिए। देन हमारा कॉलेज है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुंडी, जो कि 1794 में हमारा ये सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लॉन्च हुई थी। तो ये तीन हमारे कॉलेजेस फॉर सिविल इंजीनियरिंग ब्रांचेस जो कि काफी पुराने हैं, पहले स्थापित हुए थे और ये ब्रांच आई थी हमारी इन कॉलेजेस में सबसे पहले। ठीक है, तो आई होप सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का मैंने पूरा क्लियर कर दिया। और भी कॉलेजेस हैं जो कि काफी ओल्डेस्ट हैं जिसमें कि ये ब्रांच लॉन्च हुई थी, बट ये स्टार्टिंग के हैं और इसमें पहले पहले हमारी ये सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच स्टार्ट की गई। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारी जो ब्रांच रहती है वो है मैकेनिकल, इसके बाद हमारी मैकेनिकल ब्रांच आती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है वो 1877 में पहले यहाँ पे लॉन्च की गई थी यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी इन 1879 में, एंड देन थॉमसन इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारी फिर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच को स्टार्ट किया गया। ठीक है, तो ये हमारा सिविल पहले इंजीनियरिंग ब्रांच आया, देन हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच आई, तो किन कॉलेजेस में आई, तो ये हमने थोड़ा सा हिस्ट्री देख लिया है ब्रांचेस का। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारी जो मैकेनिकल के बाद है वो केमिकल इंजीनियरिंग है। केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच फिर हमारी यहाँ पे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काफी पुरानी ब्रांच है और ये सबसे पहले IIT रुड़की में हमारी यहाँ पे स्टार्ट की गई। और आपकी जो केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच है वो सबसे पहले UK में थी, अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड में देखें, एंड ये हमारी जो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की लाइंस के अंडर ये स्थापित हुई थी 1887 में पहले बाय जॉर्ज, केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। उसके बाद हमारी इंडिया में ये IIT रुड़की में, इसी के लाइंस में IIT रुड़की में ये ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग हमारी स्टार्ट की गई। ठीक है, देन हम कंप्यूटर साइंस एंड IT ब्रांच का देख लेते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्यूटर डिग्री जो कि प्रोग्राम लॉन्च किया गया था वो हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज 1953 में सबसे पहले कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच ये स्टार्ट की गई और डिग्री यहीं पे सबसे पहले बच्चों को दी गई। ठीक है, तो फर्स्ट CS डिपार्टमेंट जो है वो हमारा यूनाइटेड स्टेट फ्रॉम एट पर्ड्यू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे सबसे पहले हमारी कंप्यूटर साइंस एंड IT ब्रांच स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो ये हमारा कंप्यूटर साइंस एंड IT ब्रांच का
ओल्डेस्ट पुराना सबसे पहला जो जहाँ पे डिप्लोमा दिया गया कंप्यूटर साइंस पे जो स्टडी पे वो हमारा इसी इंस्टीट्यूट के द्वारा यूनिवर्सिटी के द्वारा हमें ये दिया गया था। ठीक है, तो ये हमारा केमिकल इंजीनियरिंग हो गया हमारा एंड सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग सबसे ओल्डेस्ट ब्रांचेस ऑफ वर्ल्ड और इंडिया। ठीक है, तो किस इंस्टीट्यूट में स्टार्ट हुई थी वो हमने बता दिया यहाँ पे। कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि ये सारी बातें कि मैम मुझे ये बता दीजिए ब्रांचेस कौन कौन सी ओल्डेस्ट है और उसका स्कोप क्या है। तो ऑब्वियसली जितने समय पहले ये ब्रांचेस लॉन्च की गई दैट मीन्स काफी समय पहले इसकी जरूरत पड़ी थी और इसमें इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसको ग्रो करना था तो इसके बाद हमारी कंप्यूटर साइंस ब्रांच पे यहां पे स्थापित की गई और डिप्लोमा और डिग्री दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। नेक्स्ट हमारी ब्रांच आई थी फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, स्टार्टेड एट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर प्रोफेसर चार्ल्स क्रॉस के देखरेख में ये स्टार्ट की गई थी यूनाइटेड स्टेट्स में और जो कि 1865 में ये इस्टेब्लिश की गई। देन इंडिया में जो हमारी ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच को NIT वारंगल में स्टार्ट किया गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात। नेक्स्ट हम ब्रांच देख लेते हैं हमारी कौन सी आती है। नेक्स्ट हमारी ब्रांच है पेट्रोलियम माइनिंग एंड मेटलर्जिकल, पेट्रोलियम माइनिंग एंड मेटलर्जिकल। ये हमारी कहाँ पे स्टार्ट हुई, 1914 में हमारी ये ब्रांच को स्टार्ट किया गया अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग मेटलर्जिकल एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के अंडर। फर्स्ट पेट्रोलियम इंजीनियरिंग डिग्री जो हमें दी गई वो हमारी 1915 में ये पहली डिग्री दी गई यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग के द्वारा अंडर इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग मेटलर्जिकल एंड पेट्रोलियम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पिट्सबर्ग की जो पहली डिग्री है वो हमारी पेट्रोलियम माइनिंग और मेटलर्जिकल में हमारी ये यूनिवर्सिटी ने दी थी। ठीक है, इंडिया में अगर हम देखें तो हमारे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे दैट मीन्स IIT बॉम्बे, ISM धनबाद एंड आपका MIT पुणे, ये हमारी ओल्डेस्ट ब्रांचेस हैं यहाँ की इस इंस्टीट्यूट की पेट्रोलियम माइनिंग एंड मेटलर्जिकल। तो ये कुछ हमने जो बात की अभी इन ब्रांचेस के बारे में, ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग ब्रांचेस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि पहले से जो चली आ रही है हमारी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ब्रांचेस ओल्डेस्ट, उनका स्कोप पहले ही हमें समझ में आ गया था और वो पहले ही इंस्टीट्यूट्स में लॉन्च कर दी गई थी। तो ये जरूरी जरूरी ब्रांचेस थी। अभी जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं ट्रेंड चल रहा है CSIT का, ठीक बात है, लेकिन जो पहले की पहले ब्रांचेस की हमें जरूरत पड़ी थी उनको भी हम नकार नहीं सकते। सिविल और मैकेनिकल का आज भी ट्रेंड है और पहले भी काफी अच्छा ट्रेंड था। पेट्रोलियम माइनिंग और मेटलर्जिकल ब्रांच का भी, केमिकल ब्रांच का भी काफी अच्छा एंड वाइड स्कोप है जो कि पहले समय से चला आ रहा है, इसलिए मुझे ये इन्फॉर्मेशन देना आपको जरूरी लगा। स्टूडेंट्स आपने अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर लेना सभी बच्चे एंड फॉरवर्ड जरूर किया करिए अपने सभी फ्रेंड सर्कल में ताकि उन सब तक भी काफी इन्फॉर्मेशन डीप में पहुंच पाए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, काउंसलिंग में बहुत हेल्प आएगी एंड जितने भी स्टूडेंट्स को कुछ ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव एंड डिफरेंट वीडियोस चाहिए सो प्लीज डू कमेंट, आपको कमेंट करना है एंड ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे व्हाट्सएप पे भी मुझे डाउट्स अपने भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है मेरा। एंड स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर लविंग अस एंड कीप ऑन मोटिवेटिंग अस एंड मेल भी आप कर सकते हो कोई भी आपको डाउट्स पूछने रहते हैं। तो ऐसे कई मैं वीडियोस, कई ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देती रहूंगी। आपको किसी नेक्स्ट टॉपिक में चाहिए तो प्लीज डू कमेंट, यू जस्ट हैव टू कमेंट।